काफ़ी ज़्यादा हैं माशाल्लाह, जो कि ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह। खूबसूरती है इस पार्क की ना। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं बाहर आ गया हूँ और मेरी गाड़ी वो खड़ी है और इस वक्त बाय बाय कर रहे हैं। बाय 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो तुम्हें? ठीक है दुबई से मैं हूँ मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे घर ठीक होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्योर गर्म गर्म हवा चल रही है, लेकिन पत्ते हिल रहे हैं ना इसके, लेकिन ये हवा गर्म है। मेरे ख्याल में अभी जो एक महीना होता है ना गर्म हवा के, वही मौसम आ गया। प्योर इधर से मेरे चाय आ गए और उधर से मेरा फोन भी आ गया। चाय पी लेते हैं, अगर आप मुझे चाय पीना करवाए वाले बिस्मिल्ला। मैडम बेटे की कॉल है, कहते हैं आ जाओ, पता नहीं कहाँ जाएंगे, जाके लेते हैं फिर इंशाल्लाह। इधर से आए ना, सामने में देखा गाड़ी नहीं है, वो एकदम से झुका गया कि गाड़ी कहाँ है मेरी, लेकिन गाड़ी को वहाँ खड़ेगी ना। रात यहाँ पर पार्किंग खोल देना ना, और मुझे याद भी नहीं था, अचानक से एक दफ़ा निगाह जो पड़ी ना एकदम से, तो चौंक गया कि गाड़ी कहाँ गई आज तक। तो इसको सलाब लगाते हैं, इसका एसी को ऑन करते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए अंदर से ना। बिस्मिल्लाह। गाड़ी स्टैंड पे लग चुकी है अभी, बार दोबारा कॉल आ गई थी, मैंने कहा आ जाओ मैं बाहर ही खड़ा हूँ। आ रहे हैं अभी बच्चे और 5 मिनट बाकी हैं 12 बजने में। आराम यहाँ आ गए सलून क्लिनिक पे, सेकेंड लेदर वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं घर, ड्रॉप किया अभी इनको, बस अभी जमात तक पहुँच जाएँ क्योंकि जमात खड़ी हो चुकी है। 12:41 हो गए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, चौथी और आखिरी रकात में मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ, अल्लाह का शुक्र। वक्त हम पहुँच चुके हैं तंदूर पे रोटी लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, रोटी तो लगाओ एक है, एक कहता करो दो लगाओ, एक ये और एक ये तंदूर का है, दो लेंगे। V8 स्टार्ट है और बुकिंग आ गई है, चल रहे हैं रैसल खेमा की तरफ, बार जाना है गिल्दा को लेके जाना है, बार गिल्दा को पैक करेंगे, गिल्दा को लेके भी जाना है और वापसी लेके भी आना है। पता नहीं क्या काम है इसको वहाँ पे, मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ना वहाँ पे ना वो जो घर है ना, लगता है उसकी सफाई करनी है इसको, मेरे अंदाजा, बाकी देखते हैं। और टाइम हो रहा है 4:30 बजने वाले हैं, खाना हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। थोड़ा सा पहले स्टॉप हो गया हमारा आबिद भाई के पास। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? व्यूअर को सलाम करो जी। ये वालेकुम व्यूअर, कैसे व्यूअर? ये एक था एक कंदूरा यहाँ पे इतना था और ये है रज़ाई। ठीक है भाई, बाय आबिद भाई, मिलेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, जा रहे हैं रसल खेम आबिद भाई। हाँ वैन फिर गिल्दा मजा गिल्दा माफी व्यूअर, गिल्दा को मैंने ड्रॉप किया घर, वो घर की सफाई कर रहे हैं और मैं चला आया हूँ ये पार्क में। देखो तो मैं इंटर हुआ फर्स्ट टाइम, मैं सीधा अंदर ही आया, गेट खुला हुआ था, पीछे ने सिक्योरिटी से आवाज़ दी, कहते हैं भाई जान 5 दिरहम दो, 5 दिरहम, कहता टिकट है यहाँ अंदर एंटर होने का, मैंने कहा ठीक है। ये मैंने टिकट पकड़ी है 5 दिरहम की और आगे देखो झूले वगैरह लगे हुए हैं, चल के देखते हैं। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इस पार्क में, पहले जब भी मैं इतना रहता था मैं इस पार्क को बाहर से देखता, मैंने कहा चलो आज टाइम भी है तो क्यों ना इंटर हो जाए इसमें, चल के अंदर है देखते हैं क्या माहौल है। व्यूअर यहाँ पे ना बस झूले ही लगे हुए हैं ज़्यादातर, देखें ये चल रहा है इस वक्त घूम रहा है और वो भी ये भी ये भी, ये तो सेम उसी तरह है जिस तरह ग्लोबल विलेज में था, ये सेम उसी तरह है। व्यूअर इसमें ना एक बंदा बैठा हुआ है पास, बाकी पूरा खाली है और ये भी अभी स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक इसमें भी एक ही बैठा, नहीं दो तीन बैठे हुए हैं, एक इस तरफ है एक दूसरे वो लेडीज है। और व्यूअर देखें ये ऊपर पहुंच गया है और ये से नीचे आ गए, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डेंजर है व्यूअर। हाँ
अब स्पीड दे रहा है, अब पता चलेगा ना। सीधी सी बात है, और मैं इस पे नहीं बैठ सकता। ओहो, अब व्यूअर इसकी बारी है, ये ऊपर पहुंच गया। देखो इस पे काफी सारे बंदे बैठे हुए हैं। ये तो मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा डेंजर है, और वो अभी तक घूम रहा है। शाबाश। ये तो ज्यादा हाइट है व्यूअर इसकी, तो देखें कहाँ पहुंच गया ऊपर है। और मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट है वो झूला है सामने, जो झूला चल रहा है वो, क्योंकि मैं उसमें बैठने की कोशिश करता हूँ, वो इजी है। ये मुश्किल है, ये दोनों, ये भी मुश्किल है और ये भी मुश्किल है। और अगर ये इसको चेक करें, ये कश्ती चल रही है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक नहीं है कोई खास, बस एक दो बंदे बैठे होते हैं हर झूले पे बस। और ये ट्रेन स्टार्ट हो गई, यार जा जोर लगा रहा है यार, मेरे ख्याल में इसका इंजन डाउन है। बस अब चलते हैं यार मस्जिद की तरफ, मगरिब होने वाली है, नमाज पढ़ते हैं मगरिब की। पहुंच गए हैं यार मस्जिद तक, पहुंच गए माशाल्लाह। और ना यहाँ पे अंदर भी जगह है गाड़ी को पार्क करने की, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी बाहर पार्क किया। व्यूअर ये पार्क बहुत बड़ी है माशाल्लाह, लेकिन इसके अंदर अगर वो चिड़िया घर वाले जानवर होते ना, परिंदे जानवर सांप वगैरह वो चीज़ें, तो इसका फिर अलग ही मज़ा होता, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे ना बच्चों के लिए झूले वगैरह बस, इसमें बस बाकी जो है ना पिकनिक की जगह है, अगर यानी कि आप फैमिली के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, यहाँ पर कुछ बनाएँ खाएँ इंजॉय करें। मस्जिद हादी का सकर, मगरिब नमाज पढ़ लिया, अब यहाँ से हम चाय ले रहे हैं। ये हमारी चाय आ गई, कितने हैं? एक चाय और एक ये चिप्स है, ये वाला। ये आ गई हमारी चाय, पानी और चिप्स। जब मैं वजू करने गया था ना, तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला स्पोर्टी वाला, उसने कहा ये सर्दियों में फुल होता है पार्क, अब ये गर्मी का मौसम चल रहा है इस वक्त, कहता है इसलिए खाली पड़ा हुआ है। किस मिला, वाह ज़बरदस्त। और भी वार ये देखें, ये बना हुआ है बारबेक्यू के लिए, हैं इन्होंने यहाँ पॉइंट दिया हुआ है देखें, और उस साइड पे भी है, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी, यानी कि वक्फे में ना हर जगह में ही यहाँ पे पार्क में ये चीज़ दिया हुआ है बारबेक्यू के लिए, जो कि बेहतरीन है ज़बरदस्त माशाल्लाह। यानी कि अपना कोयले वगैरह सामान लेके आए, सीख वगैरह, तो यहाँ आके ना आप सुकून से अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ यहाँ बैठ के, और यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं ज़बरदस्त है इन्जॉय के लिए। यहाँ पे ना माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन माहौल है, सुकून दे है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। झूले भी हैं पीछे, वही अभी वो दोबारा वही ट्रेन चल रहा है देखें, और यहाँ पे दरख्त काफ़ी ज़्यादा हैं माशाल्लाह, जो कि ज़बरदस्त है माशाल्लाह। खूबसूरती है इस पार्क की ना। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं बाहर आ गया हूँ, और मेरी गाड़ी वो खड़ी है, और इस वक्त बाय बाय कर रहे हैं, बाय 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 बाय। रविवार 9 बज गए हैं देखें, 9:02, लेकिन अभी तक गिल्दा की कॉल नहीं आई, चल के पता करते हैं, पता नहीं कितने मुझे फारिग होंगे। रविवार रसल खेमा से रवाना हो रहा है इंशाल्लाह, और देखो टसला भी आ गई, वैद योर बाप का बड़ा बेटा है वो यहाँ पे आ गया, और वो इधर ही है, और हम निकल रहे हैं शाह अजमान के लिए, और V8 को मैंने सलाब लगा दी ऑलरेडी, सामान वगैरह गिल्दा सब कुछ अंदर आ चुके हैं। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। अभिवार अल्हम्दुलिल्लाह खैरी से पहुंच गए अजमान। इसको जानते हो अभिवार, इसको जानते हो? हाँ, अब्दुल कबीर था अभिवार। और टाइम हो रहा है 10:34। अलहमदिल्ला अभी 40 मिनट में पहुंच गया कैरियर से, लेकिन 140 के स्पीड से, 135 140 के स्पीड से। तो उसके बाद ठीक है अभी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कि नई वीडियो में। अपना ख्याल रखियो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।